स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विद्युत विभाग ने पहल की है। विभाग ने पहले चरण में अपने बिजली घरों, ट्रांसफार्मरों और अधिकारियों कर्मचारियों के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम स्मार्ट मीटर की कार्यक्षमता, फंक्शनैलिटी और उससे जुड़ी तकनीकी समस्याओं को समझने और उनके समाधान के उद्देश्य से उठाया गया है। एससी नवीन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट मीटर के उपयोग और संबंधित ऐप की कार्यक्षमता को बेहतर तरीके से समझने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी जो स्मार्ट मीटर लगाने का जो हमारी प्रक्रिया जनपद में गतिमान है, उसमें हमारे मुख्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण में हम लोग अपने बिजली घरों में, अपने ट्रांसफार्मरों में और अपने अधिकारियों और स्टाफ के प्रीमिसेस पे स्मार्ट मीटरों को लगाएंगे, ताकि स्मार्ट मीटर की किस प्रकार से फंक्शनैलिटी है, किस प्रकार से ये कार्य करेगा, इसका ऐप किस प्रकार से कार्य करेगा, उससे हमारे अधिकारी और कर्मचारी भली भांति भिज्ञ हो जाएं। और अगर इस टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन पे कहीं पे कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को भी हम लोग उसको प्रथम चरण में अपने ऊपर इसको अप्लाई करके उन दिक्कतों का भी निराकरण कर लें। अभी हमारे जितने भी बिजली घर हैं उनके फीडर्स पे हमने स्मार्ट मीटर 100% लगा लिए हैं। लगभग जनपद में 136 के लगभग स्मार्ट मीटर लग गए। उसके अलावा हमारे जो वितरण परिवर्तक हैं उनमें स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई हमारी प्रगति में है। इसके अलावा जो हमारे अधिकारी और स्टाफ हैं उनके प्रेमिसेस पे 20-21 लोगों के अब तक हम लोग स्मार्ट मीटर पिछले कुछ दिनों में हमने लगाए हैं। हम अभी स्मार्ट मीटर को लगाकर अपने प्रेमिसेस पर लगाकर उसको टेस्ट कर रहे हैं। उसके ऐप की इंटीग्रेशन हमारे यूपीसीएल के डेटाबेस से किस प्रकार से होगी, इन सब चीज़ों को हम लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं। जब ये मैच्योर हो जाएगा उसके बाद फिर फर्दर हम लोग उसको रोल ओवर करेंगे।